एक अनूठा अनुभव, एक छोटी सी सीख देने वाली कहानी। वह सर्द और हवा वाली रात थी। मैं और मेरा दोस्त लंबे समय के बाद मिले थे और घंटों बातें कर रहे थे। हमने गुजरते हुए समय को नोटिस ही नहीं किया और जल्द ही रात के 10 बज चुके थे। हमने अपने घर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लेने का फैसला किया। बारिश शुरू हो गई और हम जल्दी से एक ऑटो रिक्शा में चढ़ गए और अपने स्थान पर पहुंच गए। एक को छोड़कर कोई भी ऑटो रिक्शा हमारे लिए नहीं रुका। ड्राइवर ने हमसे पूछा कि हम कहां जाना चाहते हैं और हमने जगह बता दी। किराए के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कृपया अंदर आ जाओ। हमने उसे धन्यवाद दिया और अंदर आकर बैठ गए। चूंकि बहुत ठंड थी, मैंने ड्राइवर को किसी छोटे रेस्ता में चाय की दुकान पर रुकने के लिए कहा। हम एक कप गर्मा गर्म चाय पीना चाहते थे। ड्राइवर एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास रुका। हमने चाय का ऑर्डर दिया और ड्राइवर को हमारे साथ आने और एक कप चाय पीने को कहा। ड्राइवर ने मना कर दिया। मैंने जिद की, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता से मना कर दिया। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या तुम इस दुकान से चाय नहीं लोगे? ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं सर, आप चाय पियो, मेरा अभी मन नहीं है। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्यों? एक कप चाय से कोई नुकसान नहीं होगा। मुस्कुराते हुए ड्राइवर ने जवाब दिया, थैंक यू सर, लेकिन आई एम सॉरी। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या आप बाहर खाने या पीने के खिलाफ हैं? ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं। मैं वास्तव में उसके व्यवहार से हैरान था और मैंने अपने दोस्त से उसे मजबूर ना करने के लिए कहा। 15 मिनट में हम अपने घर पहुंच गए। हमने किराया चुकाया और ड्राइवर ने हमें धन्यवाद दिया। एक आवेग पर मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि मैं वास्तव में उससे पूछना चाहता था कि उसने हमारे साथ रेस्ता में चाय पीने से क्यों मना किया। उसने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, सर, मेरे बेटे की आज दोपहर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पास उसके अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने पानी तक नहीं पीने का संकल्प किया है। जब तक कि मैं अपने लिए पर्याप्त पैसा कमा नहीं लेता बेटे के अंतिम संस्कार के लिए, इसलिए जब आपने पेशकश की तो मैंने चाय नहीं पी। कृपया गलत ना समझें। हम दोनों बिखर गए और उन्हें अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए और पैसे देने की पेशकश की। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद सर। एक या दो घंटे में अगर मुझे एक या दो और ग्राहक मिलते हैं तो मैं अपनी जरूरत के पैसे कमा लूंगा। और वह वहां से चला गया। हम उनके चरित्र और अखंडता की ताकत पर चकित थे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हर एक इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर जीता है, या यूं समझ लो कि वह खुद एक कहानी है। लोगों को समझना चाहिए, परखना नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।